तो फ्रेंड्स ये रास्ते में हो गया थोड़ा सा बदलाव। तो फ्रेंड्स वेज मैगी 50 रुपये की मिल जाएगी। अब पैदल के रास्ते बने हुए मेरे हिसाब से कुछ गांव वालों के आने जाने की कमी। अच्छा लगता थोड़ा सा खोजबीन करने में, और आपको पता नहीं लगेगा कब मैं कब आपके आगे हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे दर्शन देने के लिए। कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेने जा रहे थे तो वहाँ यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी ने विश्राम किया था। फ्रेंड्स यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत कर रहा हूँ एक और ब्लॉग में। और सुबह हो गई अपनी, और ऐसी सुबह हुई है कि बाहर निकलते निकलते रूम से मैं बज गए 11। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जाखू टेम्पल, वो भी पैदल ट्रैक करके जाएंगे जाखू टेम्पल। और थोड़ी सी आगे चल रहे हैं, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होने वाला है जाखू का। आज मैं आपको पैदल दिखाऊंगा कि पैदल ट्रैक कैसा है और कितनी चढ़ाई है, कितनी ऊंचाई है, और रास्ते में दुकान कितनी पड़ेंगी, और कितने किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी चल रहा हूँ आगे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, मिलता हूँ अभी वहीं पर आपको। तो फ्रेंड्स ये रास्ता है जहाँ से मैं रूम से आऊँ, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। और ये इस तरफ मैंने रूम ले रखा है, इस तरफ से मैं आया हूँ, और ये रास्ता घूम के जा रहा है रिच की तरफ। बाकी रिच की तरफ से आते हैं तो आपको ये ट्रैक पड़ने वाला है 4 किलोमीटर का, और 4 किलोमीटर के ट्रैक में पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई है, इसलिए थोड़ा धीरे चले और स्लो स्लो चले। तो फिर इस तरह की कुछ आपको खड़ी चढ़ाई मिलने वाली है, तो स्लो स्लो चले, शांति से आराम से रुकता रुकता, और खाते पीते मस्त। ये आप देख सकते हैं सामने पहले दर्शन हो गए हनुमान जी के, बड़ी खूबसूरत मूर्त। लग रहे हैं 20-25 मिनट और लगने पहुँच जाएंगे अपना टाइम से। और ऐसे ही आगे पीछे धीरे धीरे चलते रहो, मौसम मस्त हो रहा है गजब का। थोड़ी बहुत देर में निकल जाएगी धूप, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, फिर कोई नहीं काटेगा। तुम्हारे हाथ खाली है कोई, तुम्हारे हाथ खाली है कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं रास्ते में कुछ आपको ऐसे बेंच मिलने वाले हैं, आराम से आप बैठते हुए अपनी ट्रैकिंग को पूरी करें। और बंदरों के लिए आप हाथ में कुछ ना लें, और बैग वगैरह थोड़ा बचा के रखें, और अपने गॉगल्स वगैरह चश्मे वगैरह ना पहने तो अच्छी बात है, पहने तो फिर आप एक हाथ के अंदर छोटी सी कोई लाठी यहीं से कहीं से कैरी कर लें, और इनको मारे नहीं सिर्फ दिखाते हुए जाएं, तो आपको ये कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी लाठी देख कर ये भाग जाएंगे, है ना भाई। तो फ्रेंड्स ये जो रास्ता बना है, इस रास्ते में आपको काफ़ी प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ मिलेंगी। और बाकी जो रास्ता है ये पूरा पक्का रास्ता बन चुका है, सड़क बन चुकी है कहना चाहें तो एक तरह से। और किसी टाइम में ये पूरा पत्थरों वाला रास्ता था, बाकी अब पूरा पक्का बन चुका है तो बढ़िया हो गया। बाकी और आगे का रास्ता देखते हैं अभी कितना है, आगे का रास्ता कैसा है, क्योंकि यहाँ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसलिए सड़कें बनी हैं, आगे देखते कैसा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये रास्ते में हो गया थोड़ा सा बदलाव, स्मार्ट सिटी के तहत इसका हुआ है काम। और ये सीढ़ी वाला रास्ता है, आपका दिल करे तो सीढ़ी से जा सकते हैं, बाकी ये स्लोपिंग प्लेन रास्ता है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और कुछ यहाँ पे इसी कोस्ट लिखी हुई है जो स्मार्ट सिटी के तहत इसका काम हुआ है, देख सकते हैं आप 2023 की जनवरी की डेट पड़ी है इस पर। बाकी रास्ता बहुत पहले से बेहतर हो गया, रोप वे छोड़ के पैदल जाएँ तो बेस्ट है, और पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा भी होता है। और जो शेड है ये ट्रांसपेरेंट है, इससे रोशनी पूरी बनी रहेगी, और बाकी बरसात में भी आप ट्रैक कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, बरसात में भी आप आराम से ट्रैक करें मज़े से, जाखू की वादियों के मज़े लें। तो फ्रेंड्स आज से 4-5 साल पहले आए थे हम, तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको काम, ये पहले काम हुआ नहीं था, और ये ट्रैक पूरा, रोड भी पूरी ख़राब थी, बंजर पड़ा हुआ था। तो इस तरीके का था कि लोग बाग कोई आए तो ये सोचे कि यार हम कहाँ आ गए। तो अब ट्रैक बहुत बढ़िया हो गया है, और आने में भी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी टूरिस्ट बढ़े हैं पहले से, काम हुआ है तो रोड पे, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है पैदल वालों के लिए, बेस्ट है। चल रहे फ्रेंड, बस थोड़ा सा ही रह गया, देख सकते हैं यहाँ से हनुमान जी 108 फीट के नज़र आने स्टार्ट हो गए। चलते हैं फटाफट से, अब करते हैं दर्शन, और आपको भी करवाते हैं जाखू की पहाड़ियों से।
जाकू टेम्पल के। फ्रेंड्स आपको रास्ते में प्रसाद और मैगी वगैरह की, पानी वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो खाते पीते चले। और एक मोबाइल कितने की है भैया मैगी, कितने की एक? तो फ्रेंड्स वेज मैगी 50 रुपये की मिल जाएगी। आप ये भी नहीं है कि आपको कुछ ना मिले, रास्ते में खाने पीने के लिए आराम से मिलेगा, खाते पीते आए मजे से। दिन बुधवार है फिर भी काफ़ी भीड़ मिलेगी आपको, 1 घंटे के अंदर आप बड़े आराम से ट्रैक पूरा कर सकते हैं। और ट्रैक तो बढ़िया हो ही गया है, बाकी संख्या भी बढ़ गई जब से काम हुआ है, लोगों की संख्या बढ़ गई आते हुए, और अच्छी बात है, आनी चाहिए, भीड़ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 5 मिनट बैठ गए और अब चल रहे वापस, ज़्यादा देर बैठना बेकार है, ठंडे हो गए तो फिर दिक्कत आएगी। भीड़ है भैया ऊपर, भीड़ है, कोई नहीं लाइन लगा लेंगे, भीड़ है तो क्या हो गया, पर दर्शन करके ही जाएंगे। फ्रेंड्स ये कुछ पैदल के रास्ते बनाए हुए मेरे हिसाब से, कुछ गांव वालों के आने जाने के होंगे, ये देख सकते हैं। हाँ यहाँ लोग वहाँ रहते हैं ना, यहाँ से नीचे जाने के भी रास्ते हैं, इधर से देख सकते हैं। मैं ट्रैक से थोड़ा हट कर यही देखने आया हूँ, ये रास्ते जा आ रहे हैं, अच्छा लगता थोड़ा सा खोजबीन करने में। हो सकता है लोग वहाँ व्यू देखने आते हो, देख सकते हैं कई बंदे शायद रील भी बना रहे हैं, ये देख सकते हैं बंदा, लोकेशन बढ़िया है। बाकी और इधर से ये रास्ता, इधर से ऊपर जा करके आगे से ट्रैक ख़त्म हो गया, मंदिर की सीढ़ियाँ वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, और चल रहा हूँ अभी वापस। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देख सकते हैं 2 की जगह 1 ही रास्ता हो गया, सारा सीढ़ी वाला रास्ता स्टार्ट हो गया। बाकी यहाँ एक नहीं, हमको 2 मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे, एक जाखू टेम्पल, एक बाबा बालकनाथ जी का मंदिर मिलेगा, 2 मंदिर मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो फ्रेंड्स लगभग 1 घंटे के आसपास पहुँच गए, इधर ऐसे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, और बिल्कुल मेरे इस तरफ जाखू टेम्पल का व्यू देख सकते हैं आप। इधर से ही अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चलेंगे, और बाकी इधर से देख सकते हैं टैक्सी वाला रास्ता है, जैसे गाड़ी आपको छोड़ेंगी। और बाकी मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर, अब जय हनुमान जय श्री राम। और फ्रेंड्स यहाँ से हो गई है हनुमान चालीसा स्टार्ट, देख सकते हैं पूरे रास्ते आप हनुमान चालीसा का गुणगान करते हुए आगे की तरफ चल सकते हैं, और आपको पता नहीं लगेगा कब में कब आपके आगे हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे दर्शन देने के लिए। तो फ्रेंड जैसे आप चढ़ के ऊपर ट्रैक पूरा कर लेंगे, उसके बाद दर्शन होंगे आपको विशाल 108 फीट हनुमान जी के। फ्रेंड्स इस मंदिर का इतिहास कुछ इस तरीके से माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी जब जड़ी बूटी लेने जा रहे थे, तो वहाँ यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी ने विश्राम किया था। जब लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे हनुमान जी, तो यहाँ पर आकर के कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुके थे। और अभी चल रहे फ्रेंड्स इस तरह मंदिर का रास्ता है यहाँ से चलते हुए, बाकी आपको यहाँ पे हिमाचली शॉल वगैरह, टोपी वगैरह, जो हिमाचल की
आसान है, और आप फोटो भी क्लिक करा सकते हैं इस तरीके से। क्या चार्ज है भैया फोटो का? फोटो की चला है 200 रुपये का एक है, और जो खाली ड्रेस कराना खुद की चला है 100 रुपये। तो फ्रेंड्स ड्रेस पहन के खुद को फोटो खींचनी है तो 100 रुपये, और भैया खींचेंगे तो 200 रुपीस। और बाकी चलते हैं आपको, और यहाँ पे भी एक ऐसी मूर्ति है जो अपने आप प्रकट हुई थी मंदिर के अंदर, पर वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। बाकी एक मुझे पता है कि मंदिर के अंदर एक मूर्ति ऐसी भी है जो अपने आप प्रकट हुई थी। अभी कराते हैं चप्पल जूते जमा और फिर चल रहा मंदिर के अंदर। तो यहाँ से फ्रेंड्स एंट्री है, और बगल में रखा है जूते रखने का आरक्षक स्थान, वो इसलिए क्योंकि बंदर आपके जूतों से छेड़ाखानी ना करें, तो यहीं रख दें तो आपके जूते रहेंगे सेफ। बाकी चार्ज वगैरह कुछ है नहीं, यहीं पर ही अपने हिसाब से ऐसे उतारिए और रख के हाथ धो के अपना दर्शन कर सकते हैं। इधर आगे अपने जूते चल रहे हैं। तो फ्रेंड जूते जमा हो गए अपने और हाथ वगैरह धो लिए, अब चल रहे हैं अंदर से दर्शन करते हैं मंदिर के। बाकी बस यहीं तक ही वीडियो बना सकते हैं, और इधर अंदर से कोई वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड जहाँ तक वीडियो बनाना अलाउ था वहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, बस धूप निकलती थोड़ी दिक्कत हो जाती है और कुछ नहीं है, मौसम बहुत बढ़िया है। और हमने सोचा था कि भीड़ मिलेगी, भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली है। और अभी वापसी चल रहे हैं कुछ खा पी के नीचे की ओर। भीड़ मंगल और शनि को रहती है मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर। अभी तो शांति से आराम से दर्शन हो गए, और यहाँ से देख सकते हैं हनुमान जी के दर्शन क्या मस्त हो रहे हैं। बाकी यहाँ एक छोटा सा बच्चों के लिए पार्क है, झूले वगैरह के लिए ट्रैक बड़ा खूबसूरत बना दिया है। बाकी पहले पूरा खंडर ट्रैक पड़ा था जब हम आए थे, अब बिल्कुल मस्त हो गया, आराम से आए और फिर यहाँ से दर्शन करें। जय हनुमान। और बाकी महावीर कैंटीन मिलेगी आपको यहाँ पे, खाने पीने का भी आराम से मिल जाएगा आइटम, राजमा राइस, कड़ी राइस, वेज पकौड़ा, फ्राइड राइस वगैरह ये सब मिल जाएंगे। नीचे जाना पड़ेगा आपको उतर करके, बाकी शॉप वगैरह यहाँ पे आपको अच्छे से अवेलेबल मिल जाएंगे। फ्रेंड्स पहली बार मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको दर्शन करवाए जाकू टेम्पल के। हर रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है, मैं तो सोचा था मंगल और शनिवार को ही भंडारे का आयोजन किया जाता है, रविवार को भी होता है, बाकी मंगल तो खास और शनि खास तो होते ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है रोप वे, एक है पैदल ट्रैकिंग का रास्ता, और एक है गाड़ी के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। रोप वे की बात करें तो अप एंड डाउन का 490 रुपीज़ है, 490 रुपये। और ट्रैकिंग की बात करें तो 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो रिस्ट से स्टार्ट होता है, और बहुत बढ़िया ट्रैक है, खूबसूरत ट्रैक है। आपने देखा कि ट्रैक कैसा है, नया अपडेट हो गया है, बाकी बहुत काम हुआ है ट्रैक के ऊपर। पैदल भी आए तो बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा पैदल ही आए ट्रैक करके तो बहुत बढ़िया लगेगा। बाकी रोप वे से अगर आना है तो आपको रोप वे की टिकट लगेगी कम से कम, नहीं तो आधा घंटा 30 मिनट्स आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको रोप वे पर नंबर आएगा। और रोप वे उतरने के बाद भी आपको थोड़ा सा ट्रैक करके, मतलब कि 100 मीटर के आसपास फिर भी ट्रैक करके आना पड़ेगा मंदिर तक। तो फ्रेंड्स ये जाखू रोप वे का रास्ता पार्क के बगल से होता हुआ जाता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के। और ये देख सकते हैं यहाँ पे चलते हुए आपको रोप वे नज़र भी आ जाएंगे। ये फ्रेंड्स रोप वे शिमला का है, मैं थोड़े साइड से निकल के आपको दिखाने आया था,
100 मीटर की दूरी पर ही है। और यहीं से आपको रेट तो मैंने आपको बता दिया, फिर बता देता हूँ कि टू साइड का है 490 रुपये अप एंड डाउन, 490 रुपये, और वन साइड का है 265 रुपये। अगर खाली आपको एक साइड करना है तो 265 रुपये की एक साइड की टिकट है। बाकी वापस चल रहा हूँ मैं, आपको दिखाने लाया था रोपवे का रास्ता, ये सामने देख रहे हैं, यहीं से निकल के आता है पार्क के साइड से रोपवे के लिए। अब देखते हैं, अब हम चलेंगे रिच की ओर, चलते हैं रिच की ओर, नहीं चलते हैं नीचे चलते हैं। तो रिच के जो लेफ्ट में से रास्ता जा रहा है वहाँ पे बहुत ही फेमस लुच्ची की दुकान है, एक छोले लुच्ची की दुकान है। चलता हूँ अब वहीं पर ही चल के खाते हैं लुच्ची छोले। और बहुत काफ़ी पुरानी दुकान है, काफ़ी मशहूर दुकान है, आप जब भी आते हैं एक बार ट्राई करें लुच्ची छोले की दुकान। मैं चल के आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अगर बेकरी का कुछ आइटम खाना है तो त्रिशूल बेकरी काफ़ी मशहूर है, शिमला के अंदर पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो अब चलो नीचे कुछ खाएंगे पियेंगे नीचे चल करके, और वापस मैं घर से पार्क की तरफ आ गया हूँ, चल रहे हम नीचे की ओर। अंदर इधर से आ जा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग हो जाता काफ़ी लंबा, तो इसलिए मैंने इस ब्लॉग को छोटा ही रहने दिया है। अब आप अगला ब्लॉग जरूर देखें, क्योंकि अगले ब्लॉग में मैं आपको बाबा बालकनाथ जी मंदिर के दर्शन और साथ में जो नीचे मार्केट के अंदर फेमस पुरानी लुच्ची और छोले की जो फेमस दुकान है वहाँ भी ले जाके आपको दिखाऊंगा। और साथ ही मैं अगले ब्लॉग में आपके दिखाने वाला हूँ कालीबाड़ी टेम्पल, जो रिच से करीब करीब एक किलोमीटर के आसपास है। बाकी अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर महादेव।